Amicum, is it me live? Assalamu alaikum everyone, this is me, Dr. Nidhakar Rajput. Awaaz aa rahi hai? Okay, thank you. Should we start our lecture? Assalamu alaikum. This is me, Dr. Nidhakar Rajput, and today is my topic is scoliosis. My vice president is CMT ki Kalpana Sinha. Well, how are you all? I hope mere sare students is waqt mera saath de rahe honge. Koi bhi sawal ho, kisi bhi kisam ka, aap puch sakte hain. To hum start karein, happy time hai. Should we start? So, my dear students, CMT kya hai? CMT basically koi building nahi hai. It's just a channel for young physios. Un students ke liye jinhe books padhne mein difficulty hoti hai. या जो कि वर्कशॉप में बहुत सारे पैसे पर बात कर रहे होते हैं. नो डाउट वर्कशॉप्स मैंने भी की, फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कशॉप्स भी की हैं. और जहाँ हमें नीड पड़ी थोड़ी फाइनेंशियल की कि हम अपने स्पॉन्सर कर सकें वर्कशॉप को, वहाँ हमने उनकी फीस भी रखी है. लेकिन मेरे ख्याल से वर्कशॉप से ज़्यादा हमारे पास लाइव प्लेटफॉर्म ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि लाइव प्लेटफॉर्म में हम डिस्कशन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. हम मतलब हमें आज़ादी होती है ना, हम अपने रिव्यूज़ दे सकते हैं, हम अपनी पसंद का ट्यूटर लाइक डिसलाइक कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं. ठीक है, सो आई एम हियर. तो आज का मेरा टॉपिक है स्कोलियोसिस. लेट्स स्टार्ट विद स्कोलियोसिस. स्कोलियोसिस क्या है? स्कोलियोसिस इज़ लेटर कर्वेचर ऑफ द स्पाइन. ठीक है, लेटर कर्वेचर ऑफ द स्पाइन से मुराद के या तो स्पाइन के अंदर लेटर डिस्प्लेसमेंट होगी या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी. लुक, दिस इज माई स्पाइन, दिस इज लेटर कर्वेचर. सी शेप्ड और एस शेप्ड, सी शेप्ड और एस शेप्ड स्पाइन वो मेरी स्कोलियोसिस कराती है. हमारे कुछ मिथ्स हैं, वो हमारे मिथ्स इस तरह हैं कि लाइक स्कोलियोसिस सिर्फ में होता है और या थोरेसिक में होता है. ऐसा नहीं, स्कोलियोसिस पूरी स्पाइन को अफेक्ट कर सकता है. जैसे अगर हम सर्वाइकल की बात करें, हम अपनी नेक बात करें, तो नेक में स्कोलियोसिस की कॉमन फॉर्म हमारे पास कौन सी मिलेगी? टॉर्टिकुलस. बहुत सारे लोगों ने टॉर्टिकुलस के बारे में सुना होगा. ठीक, तो टॉर्टिकुलस इज अनदर फॉर्म ऑफ स्कोलियोसिस ऑफ सर्वाइकल. यानी सर्वाइकल स्कोलियोसिस ही टॉर्टिकुलस होता है. टॉर्टिकुलस है क्या? ये एक न्यूरोमस्कुलर डिजीज, एक ऐसी डिजीज जिसमें उसके साथ साथ उसका नर्व जंक्शन
दोनों इन्वॉल्व होते हैं। मसल कौन सा? स्टर्नोक्रेटोमास्टॉइड मसल्स। लुक दिस, वो मसल जो हमारे साइड फ्लेक्शन अपने और बॉल से रोटेशन करवाते हैं। दिस वन, ये मेरा मसल है स्टर्नोक्रेटोमास्टॉइड मसल। इस मसल्स में अगर थोड़ी सी भी यानी अगर प्रॉब्लम आ जाए, इसको मस्कुलर इशू हो या न्यूरल इशू हो, तो हमारी ये नेक को साइड फ्लेक्शन ऑन द सेम साइड करवाते, लुक दिस, और रोटेशन साइड, और ये मसल हाइपर टॉन हो जाता है, स्पास्मेटिक कंडीशन में हो जाता है, और पेशेंट हमारे पर प्रेजेंटेशन लेकर आता है इसमें, ठीक है, वो कहता है मेरी ये मूवमेंट जो है वो फिक्स्ड है, परमानेंट है, मैं इसको रोटेट करके या स्ट्रेच करके साइड में लाता भी हूँ, देन अगेन टूवर्ड्स ऑन द सेम पोजिशन। तो स्कोलियोसिस ये डिजीज है, सॉरी टॉर्टिकुलस, और टॉर्टिकुलस इज स्कोलियोसिस फॉर, वॉइस क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर, अब जो टॉर्टिकुलस है वो तो हो गया, वो नेक का जो है स्कोलियोसिस कहलाता है, सर्वाइकल स्पाइन में सी शेप ले आता है। दूसरी बात है स्कोलियोसिस सारी की सारा डिपेंड करता है लोडिंग और अनलोडिंग साइड पे। लुक, ये भी नॉर्मल पोजीशन, अगर मैं एक साइड लोड करूं और एक साइड को अनलोड करूं, तो ये है मेरी लोडिंग साइड एंड दिस वन इज माय अनलोडिंग साइड। जो मेरी लोडिंग साइड है वो कंप्रेशन में होगी, इतनी कंप्रेशन में होगी, उस तरफ की साइड फ्लेक्शन अलाउ नहीं होगी, रोटेशन अलाउ नहीं होगी, अपोजिट साइड। कॉन्वेक्सिटी जो कॉज करती है वो लोडिंग, उसमें हमारी वर्टिब्रीज कंप्रेशन में आ जाती है, ठीक है। अब हम अगर स्कोलियोसिस की नॉर्मली बात करें, हमारे पास इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, इसके बहुत सारे कॉजेज हैं, टाइप्स हम बना सकते हैं अपनी मर्जी के। कैसे? हम टाइप बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉज, हम इसके टाइप्स बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, हम इसकी टाइप ऑन द बेसिस ऑफ एज, पेशेंट किस एज में आया हमारे पास, तो इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चरल टाइप्स की, जैसे कि दो टाइप्स हैं, एक है स्ट्रक्चरल या परमानेंट स्कोलियोसिस, सेकेंड वन इज नॉन स्ट्रक्चरल, पोस्चरल या फंक्शनल स्कोलियोसिस। एग्री? चलिए अब मैं अगर ये बताऊँ आपको स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस क्या होता है और नॉन स्ट्रक्चरल, तो जो नॉन स्ट्रक्चरल यानी फंक्शनल स्कोलियोसिस जो हमने बनाए हैं ड्यू टू बैड पोस्चर, due to loading unloading, due to unequal distribution of weight on spine, due to leg length discrepancy, कुछ इस तरह के terms जो कि हम कहें कि हमने loading unloading unequal किए की वजह से हमने खुद कॉज करवाया है, किसको? फंक्शनल स्कोलियोसिस, ठीक है। तो जो फंक्शनल स्कोलियोसिस है वो ड्यू टू पोस्टर प्रॉब्लम होता है, उसमें कोई डिफॉर्मिटी नहीं होती, ठीक है, वो कंपनसेटिव स्कोलियोसिस होता है। कंपनसेटिव स्कोलियोसिस लाइक कंपनसेशंस, कंपनसेशन हम दो से तीन वजहों पे करते हैं, कंपनसेशन हम करते हैं ऑन शाइटिक पेन, मुझे बहुत ज़्यादा शाइटिक पेन है, ठीक है, नर्व रूट कंप्रेशन में है, शाइटिका फैलता जा रहा है, शाइटिक ऑन अ वन लेग, रेडिएटिंग ऑन अ वन लेग, मेरी एक जा रहा है, मैं क्या कहूँ, पेन से बढ़िया पेन से सेव करने के लिए खुद को दूसरी साइड को ज्यादा लोड करूंगी, अफेक्टेड साइड को अनलोड करूंगी, तो जो मैं अपनी अफेक्टेड साइड को बचाऊंगी, अपनी तरफ से जो सेव करूंगी मैं उसको लोड से बचाऊंगी, पेन से बचाऊंगी, तो मैं अपनी स्पाइन में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करूंगी वेट की, तो मेरी स्पाइन कर्व हो जाएगी टू लोडिंग साइड, और जो है ना वो फ्री हो जाएगी, वेट फ्री हो जाएगी टूवर्ड्स अनइंग साइड यानी पेन की साइड पे। अपने हिसाब से तो ये मैंने इसको सेव किया, बट इट सेव नाउ। अब जो शाइटिक पेन से बचने के लिए मैंने अपने आप को स्कोलियोसिस में ले गई, कंपनसेशन स्कोलियोसिस, सेकंड मेरा फुटवेयर बहुत खराब है या मेरा पोस्चर इतना खराब है कि मैं जब खड़ी होती हूँ तो एक टांग पे वजन देती हूँ, एक पे नहीं देती, मैं बैठती हूँ तो मैं अपनी एक टांग को दूसरी टांग के ऊपर हैंग कर लेती हूँ, क्रॉस लेग में, जब भी मैं क्रॉस लेग में बैठूंगी तो जो लेग मैंने ऊपर रखी मैंने उसको अनलोड कर दिया,
और जो टांग मैंने नीचे रखी मैंने उसको लोड कर दिया, तो जो मेरी लोडिंग लेग होगी उस मेरी स्पाइन कन्वेक्सिटी में चली जाएगी और जो मेरी साइड होगी उस तरफ कॉनकेविटी में चली जाएगी। सिंपल। तो इस तरह मैंने कंपनसेटरी स्कोलियोसिस डेवलप कर लिया, जिसको मैं कर रही हूँ कंपनसेट ऑन पेन या फिर कंपनसेट ऑन माय बैड पोस्चर मेरी हैबिट कंपनसेट होगा। हाँ, एक और चीज, लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी में भी मैं कंपनसेशन करूँगी। वन लेग इज शॉर्टर देन अदर, तो जो शॉर्टर लेग है इट्स ऑन लोडिंग, वो लोडिंग में है, और जो लॉन्गर है लार्जर लेग है लॉन्गर लेग है वो क्या करेगी अनलोडिंग। ठीक है, तो जो अनलोडिंग साइड होगी सबसे पहले अनलोडिंग साइड कॉनकेविटी में चली गई तो स्पाइन के उस तरफ के मसल्स हो गए, लेंथन हो गए, रिलैक्स हो गए, लेकिन जो साइड मेरी कॉन्वेक्स रह गई है लाइक मेरी दिस साइड, ये साइड के मेरे मसल शॉर्टन हो गए, टाइट हो गए, स्पाज्मिक हो गए, तो मेरी लोडिंग साइड के मसल हमेशा मुझे स्पाजम में मिलेंगे, टाइट मिलेंगे, शॉर्टर मिलेंगे, रेंज पूरी नहीं करेंगे, एग्री। और जो मेरी लॉन्गर साइड के मसल्स होंगे, ठीक है, कॉनकेविटी की साइड के मसल्स, वो मेरे कॉज करवाएंगे लेंथनिंग, लूजनेस, फुल रेंज ऑफ मोशन, आइसोटोनिक मतलब हाइपोटोनिक में कॉनकेव और हाइपरटोनिक में कॉन्वेक्सिटी। क्लियर टिल नाउ? कंपनसेशन बहुत अच्छी बात है डॉक्टर दिलीप कुमार, कंपनसेशन में बहुत अच्छा फैक्टर है स्कोलियोसिस डेवलप करने में। मैं आपको बहुत अच्छी मिसाल देती हूँ जो नॉर्मली हमें क्लिनिकल फैक्टर्स में मिलती है, वो ये जो बाइक राइडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाइक राइडर्स हो गए, बैंकर्स हो गए, या वो लोग सिटिंग में जॉब ज़्यादा है, नादरा वर्कर्स हो गए जो कि मेरे एक कुलीग हैं जो नादरा में ज़्यादा देर बैठने से वो वॉलेट रखते हैं पॉकेट में एक साइड में, तो जिस साइड पे उसने वॉलेट रखा नो डाउट उस साइड की शाइटिक नर्व कंप्रेस की, तरफ की इसने शाइटिक नर्व को कंप्रेस कर शाइटिक के सिम्टम्स तो आ गए, वो हम नॉर्मली शाइटिका में देखते हैं, लेकिन अगर वॉलेट रखा तो उसने क्या किया, पेल्विक लेवल इलियक इलियक क्रस्ट ASIS जो कि मेरे दोनों साइड पे है उसका लेवल उसने चेंज कर दिया अप एंड डाउन, दिस वन इज माय नॉर्मल लेवल ऑफ पेल्विक, और अगर अप एंड डाउन करती हूँ यानी इस तरफ मैंने रखा है क्या वॉयलेट, यहाँ मेरा वॉयलेट आने की वजह से मेरा पेल्विक आउट हो गया, मेरी पेल्विक एक साइड से ऊपर और एक साइड से लोअर, अब जो पेल्विक मेरी ऊपर है उसकी वजह से कंपनसेशन में क्या होगी कर्व हो जाएगी, मेरी स्पाइन जैसे ही कर्व हो तो वो क्या कॉज करवाएगी स्कोलियोसिस कॉज करवा देगी। ठीक है, कंपनसेशन स्कोलियोसिस का बहुत अच्छा फैक्टर है जिसमें मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, एक पेन से बचने के लिए नंबर वन, सेकंड जो वॉलेट रखते हैं उसमें भी वो कंपनसेशन, बैड पोस्चर एक टांग पे ज्यादा लोड देते हैं एक पे कम लोड देते हैं, या जब वो सिटिंग करते हैं तो टांग को टांग के ऊपर रखकर बैठते हैं, वो भी जैसे ही हम कंपनसेशन की तरफ जाएंगे, या लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी वो भी सारे के सारे रीजंस किस तरफ जा रहे हैं स्कोलियोसिस को डेवलप कर रहे हैं। एग्री डॉक्टर इसको आपका सवाल है कि किसी भी एज में स्कोलियोसिस, बिल्कुल ठीक है आपने, स्कोलियोसिस की जो मैं सेकेंड टाइप्स बता रही हूँ अकॉर्डिंग टू एज बता रही हूँ उसमें आपका सवाल क्लियर हो जाएगा। अभी मैं हूँ स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस पे, नॉन स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस मैंने आपको बता दिया बॉनी डिफॉर्मिटी नहीं होगी, कंपनसेशन स्कोलियोसिस या फिर नर्व रूट से बचने के लिए, एग्री एग्री भी डॉक्टर दे, अगर मैं नॉन स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस की बात मैंने, एग्री आप लोग समझ गए, अब मैं जाती हूँ स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस की तरफ। स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस डेंजरस है, सीवियर है, ऐसा स्कोलियोसिस जो पहले लुक से आपको पता चल जाए, ऐसा स्कोलियोसिस जो कि खत्म हो फॉरवर्ड बेंडिंग से भी ना खत्म हो, ऐसा स्कोलियोसिस जिसमें आपको बोनी डिफॉर्मिटी जिसमें कोव्स एंकल देन 40 डिग्री हो वो कहलाता है
स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस, ठीक है, जिसमें बोनी डिफॉर्मिटी है, बोनी कंजनाइटल हो सकती है, अक्वायर्ड हो गई, कंजनाइटल किस सेंस में, कंजनाइटल कि जब फोर्थ वीक ऑफ डेवलपमेंट एम्ब्रियो में, मेरे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से एम्ब्रियोलॉजी हमने बहुत अच्छे से पढ़ी थी, तो जो एम्ब्रियोलॉजी है उसमें जो फोर्थ वीकोलॉजी में स्टार्ट होता है एम्ब्रियो का, उसमें न्यूरल ट्यूब बनती है, तो न्यूरल ट्यूब फिक्स्ड एक लाइन में बनती है, उस स्टेज के साथ साथ उसके अंदर डेवलप होते हैं, 7 सेगमेंट डेवलप होते हैं सर्वाइकल के लिए, 12 सेगमेंट डेवलप होते हैं थोरेसिक के लिए, 5 होते हैं लंबर ऑन, ठीक है। अगर कंजनाइटली ऐसा हो कि सेगमेंट डेवलप ही नहीं हो रहे, फ्यूजन है, हमारी स्पाइन की फ्यूजन है, तो हमारे लॉस ऑफ सेगमेंटेशन या कंजनाइटल स्पाइनल फ्यूजन कॉज करवाती है स्कोलियोसिस। स्पाइन है, एक साइड पे सेगमेंट बन गए, एक साइड पे सेगमेंट्स नहीं बने, स्मूथ है, उसमें सेगमेंट्स नहीं आ रहे, कट नहीं लग रहे, वो सीधी है, सीधी होने की वजह से जब वो डेवलप करेगा तो सेगमेंट वाली साइन पे आ जाएगी कॉनकेविटी दिस वन, और प्लेन साइड पे आ जाएगी कॉनवेक्सिस, यानी कि वो लुली जाएगी, क्लियर, एग्री, कॉनकेविटी ऑन कट। इसका एक सिंड्रोम क्लिपल फेल सिंड्रोम, क्लिपल फेल सिंड्रोम के बारे में आप नेट पे बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, डिजीज है, क्रोमोसोमल डिजीज है, फैमिली टू फैमिली शिफ्ट होती है, इसमें ऐसा होता है कि एक या दो सेगमेंट होते हैं जो फ्यूज होते हैं, वो बर्थ री फ्यूज्ड हो जाते हैं, अनमता वॉइस तो क्लियर होनी चाहिए, करेंगे तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्लिपल फेल सिंड्रोम के बारे में आपने सुना, एग्जांपल किसकी, कॉन्जेनाइटल स्कोलियोसिस की, मैं ट्राई कर रही हूँ नेट भी इशू ना करे, और स्ट्रक्चरल नॉन स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस हो गया, ठीक है, वॉइस क्लियर है, कोई एक थम्स अप करे तो मैं स्टार्ट करूं फर्दर। अंत माय डियर स्टूडेंट, दिस इज क्लियर, ओके सर। सो द हमने टाइप्स कर लिए स्ट्रक्चर और नॉन स्ट्रक्चर स्कोलियोसिस, अब मैं चलती हूँ टाइप्स बनाते हैं अकॉर्डिंग टू एज जिस में जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टाइप्स बनाना चाहूँ तो मैं कहूँगी कि अकॉर्डिंग टू एज सबसे पहले जुवेनाइल, इन्फेंटाइल स्कोलियोसिस, what is infantile scoliosis, scoliosis develop in a patient less than 3 years of age, yani 3 saal ki umar se niche ke bachchon mein agar hame scoliosis milta hai to wo scoliosis hamara infantile scoliosis hai, theek hai, process ke mechanism se, theek hai, do jo लेकिन जो टाइप है हमारी वो बनती है जुवेनाइल स्कोलियोसिस। जुवेनाइल स्कोलियोसिस एज बिटवीन 3 to 10 इयर्स, 3 से 10 साल के बच्चों में अगर स्कोलियोसिस है जुवेनाइल स्कोलियोसिस में आ जाता है। देखिए जब हम इसका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसका सुनना बहुत मतलब क्लियरली सुनिएगा, अच्छा वरना दोबारा सवाल पूछ सकते हैं कि एक है इन्फेंटाइल स्कोलियोसिस, टाइल स्कोलियोसिस, इन्फेंटाइल स्कोलियोसिस लेस देन 3 इयर्स ऑफ एज में, जुवेनाइल स्कोलियोसिस जो कि 3 to 10 इयर्स की एज, उसके बाद है एडोलेसेंट स्कोलियोसिस यानी मोर देन 10 इयर्स की एज में अगर आपका स्कोलियोसिस हो रहा है तो वो आपका एडोलेसेंट स्कोलियोसिस कहलाएगा, ठीक है, ये थी आपकी अकॉर्डिंग टू एज।
इसमें समझने के लिए इतना कुछ खास नहीं है। जब हम ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तो हम आपको बता, एज मैटर करती है, एज के हिसाब से हमारा ट्रीटमेंट वेरी होता है, हम ब्रेस की तरफ जा रहे हैं या सर्जरी की तरफ, कंजर्वेटिव मेथड की तरफ, एक्सरसाइजेज इन सब की तरफ, वो सब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू एज। चलिए हम थर्ड टाइप की तरफ आते हैं, जो कि हमारी थर्ड टाइप है वो है अकॉर्डिंग टू कॉज, कॉन्जेनाइटल स्कोलियोसिस। अब आप लोगों को होगा कॉन्जेनाइटल स्कोलियोसिस में मैंने बेस्ट एग्जांपल दी है क्लिपर फेल सिंड्रोम की, वो स्कोलियोसिस सेमी वर्टिब्राज बनते हैं, यानी वर्टिब्रेज डेवलप हुई लेकिन हाफ वेज शेप, वर्टिब्री की शेप होती है रेक्टेंगुलर, और वो एक तरफ से हो गए क्यूबिकल, क्यूबिकल के होने से वर्टिब्रा डेवलप हो गया, डेवलप हुआ उसकी वजह से स्पाइन की ऊपर की और नीचे की सारी अलाइनमेंट चेंज हो गई। तो वर्टिब्रा हेमी वर्टिब्रा जो कंजुनाइटल डिफॉर्मेटीज हैं, स्कोलियोसिस, तो ये हमारी एग्जांपल में आएंगी स्कोलियोसिस। सेकंड वन इज स्कोलियोसिस, न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस क्या है, वो स्कोलियोसिस जिसमें हमारे मसल्स विद नर्व जंक्शंस इन्वॉल्व हो, जिसकी मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल दी है टॉर्टिकुलस स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड, जिसमें नर्व ठीक से नहीं इंपिंज हो रही होती है, नर्व ठीक से सिग्नल्स नहीं दे रही होती, तो क्या होता है हमारा मसल बहुत टाइट हो जाता है, टाइट होने की वजह से एक साइड का मसल अपनी ही तरफ साइड फ्लेक्शन करवाता है, साइड फ्लेक्शन करवा के अपोजिट साइड कॉस कॉस करवा देता है हमारे पास टॉर्टिकुलस, यानी स्कोलियोसिस ऑफ स्पाइन। डीजेनरेटिव स्कोलियोसिस क्या करेगा, बोनी डिफॉर्मिटीज होती है, बोनी डिजनरेशन होती है तो स्पाइन में भी होंगी, स्पाइन की ट्यूबरक्लोसिस जो कि ऑस्टियोपोरोसिस में ली जाती है, ये ऐसी डिजीजेस ऑस्टियोमेलेसिया जो कि स्पाइन को डिजनरेशन में ले जाती है, जैसे स्पाइन डिजनरेशन में गई यानी स्पाइन अब स्ट्रेस की वजह से कंप्रेस होगी तो किस तरफ जाएगी डिजनरेशन ऑफ स्पाइन, टूवर्ड्स स्ट्रेस फ्रैक्चर्स, अगेन कॉज करवाएंगे कंपनसेटिव। थर्ड वन इथियोपैथिक स्कोलियोसिस, इथियोपैथिक स्कोलियोसिस वो स्कोलियोसिस जिनका कभी कोई कॉज ही नहीं मिलता, ठीक है, और रिसर्च एविडेंस है कि 75-80% स्कोलियोसिस जो है वो इडियोपैथिक स्कोलियोसिस है जिसका कोई कॉज नहीं है, ठीक है, तो हम उसे उठा के किस में डाल देते हैं, मेजर इतना खराब ना हो, मोहम्मद हमजा फैन ओके वेट फॉर अ वाइल। विल बी राइटिंग इन अ वाइल, वेट फॉर अ वाइल प्लीज। अब मेरी आवाज क्लियर है मैम हमजा, आवाज क्लियर, टॉर्टिकुलस मेरे ख्याल से हमजा मरी का टॉर्टिकुलस मिक्स कर दिए, तो टॉर्टिकुलस क्या है इसका आंसर मैं आपको लास्ट में देती हूँ, ओके, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ सारा, इसलिए मेरे ख्याल से मुझे लेक्चर आगे बढ़ाना चाहिए। हमने टाइप्स किए हैं कुछ है, हमने स्कोलियोसिस को टाइप किया अकॉर्डिंग टू कॉज की टाइप्स बनाई है अकॉर्डिंग एज, ठीक है, तो टाइप्स क्लियर कर, अगर मैं नॉर्मली बात करूं कि हमें जो है ना
कि डॉक्टर है ना स्पाइन के ऊपर एग्जैक्ट कर रहा है, स्कोलियोसिस क्या क्या प्रॉब्लम स्पाइन के ऊपर। ठीक है, तो नंबर वन राइट में जो स्पाइन के अंदर बेटा रोटेशन भी कॉज होगी और लेटरल फ्लेक्शन यानी शिफ्ट, मैंने पहले भी कहा था अगर हम स्कोलियोसिस हम इसके बहुत सारे एंगल्स मेजर करते हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, कोब्स एंगल्स हैं, डिफरेंट एंगल्स हैं, वो मैं आपको एग्जामिनेशन के टाइम पे बताऊंगी। सिंपल अगर मैं कहूँ कि मैंने आपको स्कोलियोसिस बताना है, स्कोलियोसिस में रोटेशन भी बताऊंगी और एंगुलर लेटरल फ्लेक्शन या लेटरल शिफ्टिंग भी बताऊंगी। ठीक है, तो स्पाइन के ऊपर सबसे पहले क्या कॉज होगी और शिफ्टिंग लेटरल शिफ्टिंग रोटेशन ऑन द स्पाइन। ठीक है, इसके अलावा डिस्क स्पेस पे क्या फर्क पड़ेगा ऑन द स्कोलियोसिस, स्कोलियोसिस में डिस्क स्पेस एक साइड से नैरो और एक साइड से वाइडन हो जाएगी। कॉनकेव कॉन्वेक्स वो रूल वाला नहीं है, कॉन्वेक कॉन्केव और कॉन्वेक्स मैं स्पाइन की शेप में अकॉर्डिंग टू शेप बता रही हूँ। तो ये कॉन्वेक्सिटी यानी के लोडिंग साइड, कॉन्केविटी मुझे क्लियर कर दीजिएगा, कॉन्केविटी अनऑप्चर अनलोडिंग साइड। ठीक है, कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिटी भी छोड़ दें, लोडिंग दिस इज माय लोडिंग साइड एंड दिस इज माय अनलोडिंग साइड और अब बीच में है डिस्क, डिस्क के होने की वजह से डिस्क लोडिंग साइड पे मेरी डिस्क हो जाएगी नैरो और अनलोडिंग साइड पे मेरी डिस्क हो जाएगी वाइडन। ठीक है, तो डिस्क के ऊपर ये फर्क पड़ेगा ऑन स्कोलियोसिस, एक साइड पे यानी लोडिंग साइड पे डिस्क आ जाएगी ड्यूरिंग किसमें उसमें कंप्रेशन में, ठीक है, और दूसरी टाइप वो आ जाएगी वाइडन कंट्रैक्शन में, मे बी दिस इज लोडिंग एंड दिस इज अनलोडिंग, दिस इज कंप्रेशन एंड दिस इज ट्रैक्शन या डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, कंप्रेशन जम होगी किसकी वाइटल ऑर्गन्स की, मे बी रिब मेरी मेरा तो ऐसे केज पूरा शिफ्ट हो गया ड्यू टू एंगुलर रोटेशन रोटेशन, जैसे मेरी स्पाइन की रोटेशन हुई है मेरा रिब रिब के शिफ्ट मेरी कुछ रिब्स हम्प बन गई हैं और सो गई, कुछ मेरी रिब्स हम्प बन गई आगे की तरफ और पीछे की तरफ, अब जो मेरी रिब्स पीछे करवा रही है मल पोजिशनिंग यानी कंप्रेशन ऑन विस्ट्रास, मेरे कुछ वाइटल विस्ट्रास है जो कि उसकी कंप्रेशन में आ जाएंगे जिसकी वजह से कॉज होगी। ठीक है, तो मोस्ट सीवियर इसकी ये कॉम्प्लिकेशन है कि कार्डियोपल्मोनरी हमें लेट स्टेज ऑफ स्कोलियोसिस में मिलती है, तो कार्डियोपल्मोनरी जो हमारे पास प्रॉब्लम है या कॉम्प्लिकेशन है वो हमारे लिए ज्यादा सीवियर होती है। अपनी जनरल ऑब्जर्वेशन है लोडिंग और अनलोडिंग के पॉइंट को अगर मैं दोबारा से, तो ये देखें मेरी स्पाइन में सी शेप्ड आ गया, दिस वन इज माय स्पाइन, इसमें मेरा सी शेप्ड आ गया, इस साइड ये वाली साइड जो मेरी है वो है मेरी लोडिंग साइड एंड दिस वन साइड इज माय अनलोडिंग साइड। अब मैं आपको स्कोलियोसिस में स्पाइन में क्या क्या चेंजेस होंगी, स्पाइन लेटरल शिफ्ट हो सकती है टेड हो सकती है नंबर वन, दूसरी डिस्क, डिस्क लोडिंग साइड पे हो सकती है अनलोडिंग साइड पे ट्रैक हो सकती है। थ्री वाइटल ऑर्गन, मेरी लोडिंग साइड पे स्पेस कम होने की वजह से कंप्रेशन आएगी मेरे कार्डियोपल्मोनरी विसरास पे मेरे वाइटल ऑर्गन्स पे मेडिटेशन के वाइटल ऑर्गन्स पे, तो कार्डियोपल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाएंगी और ये सबसे सीवियर स्टेज है स्कोलियोसिस की जहाँ पे हमें कार्डियोपल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन मिलती है सर्जरी की तरफ सॉरी जो है वो आते हैं, बहुत सारे कॉज हैं इसके सर्जरी के लिए। ठीक, अब अगर मैं इसके एग्जामिनेशन की तो मैं आपसे एग्जामिनेशन में डिस्कस करूंगी इसकी हिस्ट्री, इसकी ऑब्जर्वेशन और इसका एग्जाम डन। एग्जामिनेशन में हम इसके टेस्ट करेंगे जो कि मेरे ख्याल से वो छह पॉइंट्स अगर आपको आ गए तो आप आंखें बंद करके स्कॉलरशिप को फाइंड आउट। हिस्ट्री में आप देखोगे आपको इनकी कोई ठीक है शहजादी मोहम्मद, मैं आपको लास्ट में कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है मैं आपको बताऊंगी क्लियर करके। नाउ हिस्ट्री, हिस्ट्री में जाकर सवाल पूछोगे उसकी कंप्लीट हिस्ट्री लो, हिस्ट्री ये लो इंजरी में
आपको कोई इंजरी तो नहीं हुई, आपने कोई वेट उठाया जिसकी वजह से आपकी मसल्स में या बोनी इंजरी या स्पाइनल इंजरी जिससे लोडिंग और अनलोडिंग हो रही है, या अनइक्वल किसकी वेट की जो कि आपने हैंड में उठाया हुआ है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से आपकी स्पाइन इनविटी को मेंटेन हुए इधर उधर चली जाएगी। और ठीक है, सेकेंड वन अबाउट पोस्चर, पोस्चर में खड़े होते हैं ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी लाइन, आप अपनी बटक लाइन को शिफ्ट कर लेते हैं, यानी एक टांग पे ज्यादा वजन देते हैं और एक पे कम। ऐसा तो नहीं था कि पास्ट में आपको नी पेन रहा हो। अगर आपको नी पेन है तो सीढ़ियां चढ़ते हुए या चलते हुए आप अपनी नी पेन को बचाने के लिए नी के ऊपर से अपोजिट नी को लोड कर दोगे। जब आप अपोजिट नी को, तो आप क्या करोगे अपोजिट नी को लोड करने से, कंपनसेशन यानी कि दो एक साइड को लोड करोगे एक साइड को अनलोड। उसके बाद मैं अगर पूछूं कि ठीक है तो फैमिली हिस्ट्री में आपके पास कोई क्लिपर फेल सिंड्रोम का पेशेंट तो नहीं था, हेमी वर्टिब्रा तो डेवलप नहीं हुआ, सेगमेंटल बॉल फॉर्मेशन तो नहीं, हेमी वर्टिब्रा आपकी सब जो तो नहीं थे, ये सब आपको आपको लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन की तरफ भी नहीं जाना। देन ऐसा लेते फुटवेयर से बहुत फर्क पड़ता, ठीक है, इनफैक्ट फुट की पोजीशन से भी बहुत फर्क पड़ता है। पेस्ट क्लेवस है, फ्लैट फुट है या होलो फुट है, आर्च ऊंची है ही नहीं, उससे भी बहुत डिफरेंस पड़ता है आपकी लोडिंग और अनलोडिंग को करने के लिए। ये सारी चीजें आपकी कंपनसेशन में आ जाती है, ठीक है। एग्रीवेटिंग फैक्टर आपसे पूछोगे, आप उससे रिलीविंग फैक्टर पूछोगे, आप प्रॉपर हिस्ट्री और उसके कॉज तक तो पहुंच ही जाओगे। अगर तो आप उस कॉज को एलिमिनेट करोगे और आप उसका ट्रीटमेंट कर दोगे। एग्री, फिजियोथेरेपी यही है ना, एक खेल है, ट्रीटमेंट करते हो, डायग्नोसिस में जाते हो, क्यूरीज को क्लियर करते हो, एग्जैक्ट पॉइंट पे पॉइंट को एलिमिनेट करते हो और पेशेंट फिट। नाउ व्हाट्स ऑब्जर्वेशन, अगर मैं ऑब्जर्वेशन की तरफ जाऊं तो मैं कहूंगी आप उसकी एक जरूर चेक कर ले, मेरी एसएमएम हो सकती है, पेशेंट मेरे पास आया भाई उसका हेड टिल्टेड है, तो मैं कहूंगी हेड टिल्टेड, ठीक। अगर तो हेड टिल्टिंग है उसका, कोई तो रीजन होगा, उस बंदे को हैबिचुअल है, मैं सीधा करना चाहूँ तो वो सीधा नहीं, वो टिल्ट में ही रखता है, फिर मैं उसको स्ट्रेट कर रही हूँ, स्ट्रेच कर रही हूँ, सीधा कर रही हूँ, फिर जा रहा है तो मसल स्पाज़म में तो नहीं, ठीक। दूसरा मैं पूछूंगी उससे, दूसरा मैं उससे ये सवाल पूछ सकती हूँ, आपका हेड टू टिल्ट है, हेयरिंग लॉस तो नहीं। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनकी हेयरिंग कम होती है ऑन वन ईयर, तो वो अपनी बात को सुनने के लिए समझने के टू ग्रुप ऑफ पीपल्स में इस ग्रुप वालों को ऐसे करके बात सुनने उनके करें। हेयरिंग लॉस कम है, इस तरफ बढ़ने से उनकी उनका पोस्चर डेवलप इस तरह हो जाता है कि वो अपनी नेक को इसी तरफ शिफ्ट रखते हैं। इस तरफ नेक को शिफ्ट रखने से आपने क्या किया, आपने अपने हेड के वेट को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया है ऑन योर सर्वाइकल स्पाइन, तो सर्वाइकल स्पाइन कर्व में चली, ठीक है। ये चीज एसिमेट्री आप चेक करोगे शोल्डर ब्लेड्स, एक शोल्डर मेरा ड्रॉप और एक शोल्डर मेरा हाई। अब जो शोल्डर मेरा ड्रॉप है मैंने उस पूरी साइड को लोड किया हुआ है, मेरा अप है मैंने उसको अनलोड किया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ से एसिमेट्री चेक करूंगी इतनी। अब हमने एसिमेट्री देख ली उसकी हेड की, कि हेड टिल्टेड तो नहीं है एक तरफ, ठीक है। उसके कॉज की तरफ भी जाना है, हमारे शोल्डर ड्रॉप तो नहीं है, यानी शोल्डर एक तरफ ड्रॉप एक तरफ लोड से अनलोड। सेकेंड वन में देखूंगी करूंगी, मैंने इसकी समय चेक करूंगी, अनड्रेस करूँ उसको फुटवेयर। अब आप उसकी सेमेट्री पर चेक, एंड्रेस में से उसकी शर्ट उतारो ताकि आपको उसकी फाइन की शेप पता चले। सेकेंड वन में जो है ना, सबसे पहले आप ये चेक, शोल्डर के अनइक्वल होने से टॉस डेवलप हो सकते हैं, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। तो बहुत सारे अनिल गुरनानी हमारे
अप्लाइड हो, जो हमारे स्टर्नो मतलब यहाँ का जो ज्वाइंट है हमारा क्लेविकुलर स्टर्नो, उसमें क्या होगा क्वेश्चन, या उसमें जो पेन होगा उसमें भी उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है कि हमारा ये ज्वाइंट डिसलोकेट है या डिसलोकेट है, या इस ज्वाइंट में हमारा जो क्लेविकल है वो हाई है, ठीक है, ये भी ठीक। इस तरह बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मैं आपको शोल्डर की अनइवन होने से टॉस डेवलप हो सकता है, सब लेक्सेशन ऑफ ज्वाइंट्स हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। एक और चीज, मसल सकते हैं हमारे शोल्डर ड्रॉप्स को, मेक श्योर मसल्स का फैक्टर कभी भी नहीं भूलना आपने। ए समय में आपने मसल्स को जरूर देखना है कि मसल है या हाइपोटोनिक में है, हमारे मसल्स उसमें मतलब वेस्टिंग में चले गए हैं या हाइपरट्रॉफिक में चले गए हैं मसल्स ड्यूरिंग दिस। अब मैं आपसे कह रही थी कि हम सारे व्यूज में स्कॉलरशिप को चेक करेंगे, हम देखेंगे स्टैंडिंग कैसी है इसकी, सिटिंग पेशेंट को असेस करेंगे। एक चीज, हम डायनेमिक और स्टैटिक पोस्चर दोनों को जो है ना वो अलग अलग से असेस कर सकते हैं। हम असेस कैसे कर सकते हैं, मेक श्योर हमने कहा कि पेशेंट जब खड़ा है उसमें स्कॉलियोसिस डेवलप हुआ है, लेकिन जब हमने पेशेंट से कहा आप मूव करो और पेशेंट आगे चले, तो हमें उसकी स्पाइन इक्वल नजर आ रही, हमें अब उसका स्कॉलियोसिस नजर नहीं आ रहा, तो हम सकते हैं कि जब वो खड़ा था तो मे भी उसकी लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी हो, यानी एक लेग शॉर्टर और एक लेग लेंथन हो। जो शॉर्टर लेग होगी उसकी वो क्या कॉज करेगी, मान जो शॉर्टर लेग है वो लोडिंग में, जो हमारी लॉन्गर लेग होगी बड़ी वो अनलोडिंग में होगी, जिसकी वजह से स्पाइन जो है वो खुलती। लेकिन जैसे उसने चलना शुरू किया, एक ये पॉइंट, दूसरा वो जब खड़ा था उसने एक टांग और एक को फ्री छोड़ा हुआ था, ड्यू टू पेन, ड्यू टू हैबिट, ड्यू टू पोस्चर, कुछ भी हो सकता है, शुरू हुआ उसने अपनी स्टेटिक और दोनों को कॉफ स्ट्रेस। डॉक्टर आपदा, मैं आपको कॉफ स्ट्रेस बताऊंगी ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। अब जब उसने डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट की, उसने साथ में मतलब बराबर उसकी स्विंग और स्टेंस फेज बराबर हो गई, और ड्यूरिंग गेट या ड्यूरिंग वॉकिंग उसका स्कॉलियोसिस हमें नहीं मिला, ठीक है। तो आप डायनेमिक स्टैटिक दोनों पोस्चर उसके चेक कर सकते हैं। आप देखो कि मसल वेस्टिंग तो नहीं, सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग तो नहीं, उसकी बोनी इनलार्जमेंट तो नहीं, स्कार्स तो नहीं। अगर स्किन में स्कार्स बने होंगे तो स्किन अलाउ नहीं करेगी अंडरलाइन मसल्स और अंडरलाइन बोन्स को, ठीक है, और प्रॉपमेंट ना होना मीन्स प्रॉपर वेट शिफ्टिंग ना हो। अब हम देखते हैं, अच्छा ड्यूरिंग के पास एक चीज होनी चाहिए, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आपके पास जो है ना वो एक बंदा आता है तो वो तीन बॉडी मास ही लेकर आ ड्यूरिंग। हमने एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा कि जो एम्ब्रियोलॉजी हम देखते हैं, एक्टो एंडोड्रम मीजोड्रम्स, अगर तो हमारे पास पेशेंट आया है तो उसके पास तीन बॉडी मास ही होंगे ऑब्वियसली, एक ऑक्टोमॉर्फ, थ्री टाइप्स ऑफ बॉडी मास पेशेंट वापस आएंगे, वन इज एक्टोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ थिन बॉडी मास, वो बॉडी मास डेवलप हुआ हो, सेकेंड वन इज मीजोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ इज अ मस्कुलर बिल्डर पेशेंट जिसका सारा का सारा बॉडी मास डेवलप हुआ हुआ है, सब्सटिट्यूट टू मसल्स मास, ठीक है। सेकेंड वन इज एंडोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ इज और फैट बॉडी मास होगा एंडोमॉर्फ में, वो हैवी यानी कि वो अपने इंटरनल विस्टर्स और ऑर्गन्स की वजह से हैवी हुआ होगा, एक्युमुलेशन ज्यादा होंगी, वो मस्कुलर नहीं होगा, उसकी स्किन मसल्स पे काम नहीं करें फैट पे। तो इन तीन तरह की बॉडी लेकर आपके पास एक पेशेंट आ सकता है, आपको उसको एग्जामिनेशन आप देखोगे आपके पास पेशेंट एक्टोमॉर्फ है, मीजोमॉर्फ है या एंडोमॉर्फ, आई थिंक क्लियर है। एक्चुअली मैगी से ही पॉइंट पड़ा था, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूं। अब मैं देखूं, मैंने तीन व्यूज में उस पेशेंट को जो है ना इंटीरियर व्यू, इंटीरियर व्यू हेड टिल्ट तो नहीं, ठीक है, सेकेंड वन शोल्डर लेवल पे है, शोल्डर लेवल कोई ऐसा तो नहीं, डोमिनेंट साइड उसकी लोडिंग मतलब उसकी सेम है, जो लोडिंग साइड है उसकी एग्री वो उसकी लोअर, और जो उसकी अनलोडिंग साइड होगी वो उसकी हायर होगी। सकते हैं हम देख सकते हैं प्रोट्यूजन, डिप्रेशन ऑफ स्टर्नम या रिब्स,
कंफ्यूजन तो नहीं, डिप्रेशन तो नहीं, जैसे कि हमने थोरेसिक में इसकी बहुत सारी डिफॉर्मिटीज पढ़ी थी। बस थोरेसिक कर्मिटम, टेस कर्मिटम, ये सारी डिजीजेज हमने पढ़ी थी, मैं क्लियर करती हूँ आगे। तो थोरेसिक में हमने रैंडम डिप्रेशन, रिब्स उसकी परफ्यूजन में तो नहीं। इसके बाद हम आर्म्स देखेंगे, बस खड़ा है तो जो उसकी लोडिंग साइड है उसमें दोनों आर्म नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा है, उसकी लोडिंग साइड है उसमें, लोडिंग साइड में उसकी जो आर्म है वो उसके पिछले में होगी और इसमें वो ट्रंक के साथ लगी हुई होगी, लुक दिस वन, ठीक है, फासले में होगी। कर सकते हैं कि एसिमेट्री है, दोनों डिस्टेंस भी एसिमेट्री है, हमारी जो लिम है या जो हमारी आर्म है वो हमारे थोरेसिक से या ट्रंक से दूर है ड्यूरिंग स्टैंडिंग इन इंटीरियर भी चेक कर सकते हैं। हम एल्बो का कैरिंग एंगल देख सकते हैं 5 to 15 degree नॉर्मली जो वेरी करता है। इलियक क्रस्ट के पॉइंट्स चेक कर सकते हैं, कहते हैं ए एस आई से दूसरी ए एस आई तक अगर लाइन बननी चाहिए, लेकिन अगर ये लाइन नहीं बनती, एक साइड हायर है और एक साइड हमारी लोअर है, तो गाइस जो हायर साइड है हमारी मे बी इट्स लेग लेंथ, इस तरफ की जो लेग लेंथ होगी और होगी ठीक, और जो लोडिंग साइड होगी उसमें लेग लेंथ होगी और ये लार्जर होगी, इस वजह से हमारी इलियक जो क्रस्ट है वो लाइन में नहीं होगी, वो अनइक्वल होगी, ठीक है, वन हायर एंड वन लोअर, डिप्रेस या हायर। पटेला ऑफ नी हम देख सकते हैं, मेक श्योर पटेला ऑफ नी, अगर तो पटेला हमारा पॉइंटेड आउटवर्ड है तो हम उसको नाम देते हैं हाई पटेला, ठीक है, हम कहते हैं फ्रॉग आई पटेला लुक है, ठीक। अगर हमारा इनवर्ड है तो हम कहेंगे इट्स स्क्वेंटिंग पटेला, ठीक। हम जो ड्यूरिंग स्टैंडिंग मतलब खड़े हुए होते हैं तो स्टैंडिंग में हमारी 5 degree to 7 नी फ्लेक्शन में ही होती है नॉर्मली फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट, लेकिन अगर तो हाइपर एक्सटेंशन हो जाए, हाइपर एक्सटेंशन इन सेंस में हमने देखा तो जो हमारे पास खड़ा है उसकी नी साइड साइड फ्लेक्शन हाइपर एक्सटेंशन में, अगर नी हाइपर एक्सटेंशन में जा रही है तो मे बी इट्स लॉर्डोसिस, हाइपर लॉर्डोसिस में पेशेंट की नी एक्सटेंशन तो टाइट हैमस्ट्रिंग है, उसकी हैमस्ट्रिंग बहुत टाइट है, उसकी नी हाइपर एक्सटेंशन में जा रही है, तो हमने पटेला और नी इनकी भी पोजिशंस देख ली। पोजिशन ऑफ पटेला तो बहुत सारी करते हैं, जैसे टॉर्जन ऑफ फेमरल नेक हो गई, टिबियल शिफ्ट हो गया, ये फेमरल शिफ्ट हो गया, या तो फ्रॉग आई अपेरेंस देगा या स्क्वेंटिंग देगा या तो लुक आउटवर्ड या लुक इनवर्ड। फुट की आर्चेस वो बहुत मैटर करती है, फुट की आर्चेस में पेस प्लेनस हो सकता है यानी फ्लैट फुट हो सकता है, अगर नहीं तो एवस हो सकता है यानी हॉलो शेप्ड हो सकता है, ठीक है। कंपेरिजन में इसमें देखूं तो लेटरल व्यू, लेटरल व्यू में मैं क्या चेक कर सकती हूँ, सबसे पहले तो मैं लेटरल लाइन चिन तो मैं देखूंगी, मेरी चिन पॉक्स फॉरवर्ड यानी मैं फॉरवर्ड एंड पोस्चर में हूँ, फॉरवर्ड यानी हंचबैक, हंचबैक मींस मैं लॉर्डोसिस में, हाइपर लॉर्डोटिक मेरा पोस्चर, हाइपर लॉर्डोटिक, ठीक है, वन नंबर वन। सेकंड, अगर लार्ज ग्लूटियल मैक्सिमस है तो एक्सेसिव फैट है तो वो इस तरह के अपेरेंस देती मास अपेरेंस देता है कि जो हमारा जो लंबर है वो लॉर्डोसिस में, जो हमारा लंबर है वो हाइपर एक्सटेंशन में चला गया इस वजह से, और मतलब ये सारा उसका पीछे का मैकेनिज्म है कि हमारा लॉर्डोसिस में है पोस्चर, वो हमारी फैटी यानी ओवरवेट पेशेंट अगर हमारे पास आते हैं हम उसके लंबर को जरूर असेस करते हैं कि मे बी इट्स लॉर्डोटिक, ठीक है। जो हमारे पास ड्रॉप शोल्डर है वो भी इंडिकेट करता है, ड्रॉप शोल्डर मैंने कहा था मसल्स को आपने नहीं भूलना, हमारे ड्रॉप शोल्डर्स ये पता कर सकते हैं, ये हमारे पेक्टोरल टाइट हैं, लेकिन जो हमारे स्कैपुलर के जो स्कैपुला के हमारे जो मसल्स हैं वो बहुत वीक हैं। अब अगर मैं बात करूँ पोस्टीरियर व्यू में तो मेरी जो कन्वेक्सिटी साइड है यानी जो मेरी लोडिंग साइड है, लोडिंग साइड में मैं देखूँ मेरी साइड फ्लेक्शन भी लिमिटेड होगी, मेरी रोटेशन भी लिमिटेड होगी, लेकिन जो मेरी अनलोडिंग साइड है उस साइड में कर सकती हूँ और रोटेशन भी बहुत ज्यादा कर सकती हूँ। अभी
एग्जामिनेशन में मेरे पास सिर्फ 6 पॉइंट्स हैं। अगर से देख रहे हैं तो हम एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लुक, सबसे पहले लेग लेंथ मेजरमेंट कर लें। लेग लेंथ की मेजरमेंट्स बहुत ज़रूरी है और बहुत सिंपल भी है। कैसे? आपने पेशेंट को नंबर 1 पॉइंट है लेग लेंथ या मेजरमेंट। लेग लेंथ मेजरमेंट में क्योंकि मैं कंपल्सरी स्कोलियोसिस को रूल आउट कर, तो मैं चेक कर रही हूँ कि लेग लेंथ मतलब लेंथ लेग इक्वल है या नहीं। पेशेंट को सुपाइन लेट आया, ASI से दूसरी ASI तक अगर मैंने रोलर देखा कि मैंने ये चीज़ चेक की कि वो बिल्कुल इन लाइन है, ठीक है, तो मैंने ASI से टेप को लिया और टेप को मैं लेगी मीडियम मेलुलस या लेटर मेलुलस तक किसी तरह। मेरे ख्याल से मीडियम मेलुलस अगर मैं लेग को ले जाती हूँ या लेटर में भी, तो मैंने इसकी लेंथ ले ली और मैं दूसरी लेग की भी इसी तरह लेंथ लूँगी, फर्स्ट लेग सेकेंड लेग। अगर तो लेग में जस्ट 5 to 7 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, ओके इट्स नॉर्मल, क्योंकि वो टूल के भी हो सकता है फॉल्ट या मेरा भी फॉल्ट हो सकता है चेक करने में, ठीक है। हमने लेग लेंथ चेक की, लेग लेंथ इक्वल है, बेस्ट वन। सेकेंड वन इज स्लम्प, अगर तो कोई नर्व इन्वॉल्व है आप स्लम्प टेस्ट कर सकते हैं। स्लम्प टेस्ट करने के लिए मेन चीज आपका थोरेसिक और जो आपका लंबनों की दोनों आपने स्लाउच किया, आपने नर्व को मैक्सिमम अपने उसमें ले गए हैं, आप उसकी मैक्सिमम लेंथ में ले गए नर्व को। उसके बाद आप कहोगे अपने पेशेंट को अपनी चिन को जो है वो फ्लेक्शन कर लें। जब वो अपनी सर्वाइकल में फ्लेक्शन उसे बोलेंगे नी को एक्सटेंड करें। पूरा स्लाउच होने के बाद वो अपनी नी को एक्सटेंड नहीं कर पाएगा क्योंकि किस पे आ रही है, यानी ड्यूरा मैटर पे आ रहा है। तो हम कहेंगे अगर आपने नी को अगर हम ऊपर करेंगे अपनी चिन को, यानी कि हम अपनी को इन लाइन ले आए, एक्सटेंशन में ले आए और हमने अपनी नी को एक्सटेंड कर दिया, स्लम टेस्ट इज क्लियर। 2 पॉइंट्स में हमने उसकी नर्व को साइड में कर दिया या लेग लेंथ मेजरमेंट उसकी देख ली। थर्ड वन इज आदम फॉरवर्ड फ्लेक्शन, आदम फॉरवर्ड होती है। बंदा स्टैंडिंग में है, हम उसे बोलेंगे आप स्टूप पोजिशन बना लो, फॉरवर्ड फ्लेक्शन कर लो, रुकू की पोजिशन जैसे नमाज में होती है। वो जैसे ही रुकू की पोजिशन बनाएगा हम सीखेंगे कि क्या जो एस शेप हमें स्टैंडिंग में मिल रहा था फॉरवर्ड फ्लेक्शन में मिला। अगर तो फॉरवर्ड फ्लेक्शन में भी एस शेप हमें मिलता है, मसल छोटे बड़े नहीं होते, मसल शॉर्टन और लेंथन होते, ठीक है। मसल शॉर्ट होने मसल लेंथ, स्लम टेस्ट समझा। मैं बात कर रही थी आदम फॉरवर्ड फ्लेक्शन, ठीक है। तो आदम फॉरवर्ड फ्लेक्शन अगर गई तो मैंने ये देखा अगर तो मेरे पास फंक्शनल स्कोलियोसिस है तो फॉरवर्ड फ्लेक्शन में स्कोलियोसिस और ठीक है। लेकिन अगर फॉरवर्ड फ्लेक्शन में भी हमें स्पाइन में कर्व नजर स्कोलियोसिस और स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस, एग्री। हम बात करते हैं हम स्कोलियोमीटर यूज कर सकते हैं। स्कोलियोमीटर क्या करते हैं, हमने आदम्स फॉरवर्ड फ्लेक्शन करवाई, स्कोलियोमीटर को उसके लंबर रीजन पे रखा, लंबर स्कोलियोसिस पे रीडिंग यूं आती है हॉरिजॉन्टली। रीडिंग को हम चेक करने के लिए हम देखेंगे अगर तो डिग्री से ऊपर मतलब लेस देन 7 डिग्री का डिफरेंस शो कर रहा है तो इट्स इक्वल, इट्स नॉर्मल। अगर 7 डिग्री से ज्यादा का हमारे पास डिफरेंस आ रहा है दोनों की उसमें कॉनकेविटी में, यानी कि ये हमारी लंबर है इसके ऊपर रख दिया, एक हमारे तरफ जा रहे एक हमारे ऊपर है प्रोमिनेंट है, ठीक है। तो उसके ऊपर जब हमने स्कोलियोमीटर तो उसने अलाइनमेंट शो की, उसने अलाइनमेंट इस तरह शो की कि एक साइड नीचे, तो उसने रेफर शो किया कि आपका नहीं है सरफेस। जब हमारे सरफेस तो मोर देन तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। रिब एंगल ऑफ मेहता हम वो भी चेक कर सकते हैं। सेकेंड है कोप क्लासिफिकेशन, कोप क्लासिफिकेशन क्या है, डॉक्टर आब्दा का सवाल था। कोप में ये होता है कि हमने एक सिंपल एक्सरे करवाया पेशेंट का, सिंपल एक्सरे करवाने के बाद हमने उसका फिक्स लिया,
कर्व बना, हम कर्व के बीच में से उसका एपेक्स लेंगे। मोस्ट टिल्टेड वर्टिब्री ऑन अबव, वहां से एक लाइन ली। मोस्ट टिल्टेड हमने वहां से हमने उन दोनों लेवल लाइन को इक्वली मार्जिन किया और उसके बीच में हमने एंगल बनाया। यानी मेरा ये कर्व है, इस कर्व का मैंने यहाँ से भी लाइन जहां पे मैंने इसको रोका वहां जो मेरा एंगल बना वो मेरा कोब्स एंगल कहलाएगा। कोब क्लासिफिकेशन है जिसने अपने एंगल्स के अकॉर्डिंग इसकी ग्रेडिंग की है। मैंने बताया है कि हम इसको 7 ग्रेड्स में रखते हैं। इसमें रखने के लिए ग्रेडिंग और डिग्रीज है, जैसे कि ग्रेड 1 0 टू 20 डिग्री, 31 टू 30 डिग्री, ग्रेड 2 51 टू 75 डिग्री, ग्रेड 4 75 डिग्री टू 100 डिग्री इस ग्रेड 100 टू 125 ग्रेड 6 और सबसे लास्ट ग्रेड 7 इज मोर देन और इक्वल्स टू 126 डिग्री। स्कोलियोसिस के कर्व में जो ये डिग्री डिफरेंशिएट कर रही है वो हमारी कॉर्प्स क्लासिफिकेशन में उन्होंने, ठीक है। तो ट्रीटमेंट में आपने अगर तो हमारे पास जो कर्व है वो लेस देन 20 डिग्री है, जस्ट लेस देन 20 डिग्री हमारे पास कर्व है, ऑब्जर्वेशन में रखो उसको, पोस्चर गाइड कर, अगर आप उसको पोस्चर गाइड करते हो ठीक है और उसको ऑब्जर्वेशन में रखते हो कि आपका जो स्कोलियोसिस है प्रोग्रेसिव तो नहीं है, अगर स्कोलियोसिस प्रोग्रेसिव नहीं है तो गुड एंड वेल, तो ऑब्जर्वेशन या कंजर्वेटिव मेथड से ही ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर 20 डिग्री एंगल है और अब एंगल प्रोग्रेस होता जा रहा है मंथ बाय मंथ या ईयर बाय ईयर, जैसे ही वो प्रोग्रेशन की तरफ जाएगा उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ, तो भाई ट्रीटमेंट ये आपके पास नंबर वन चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट की एक्सरसाइजेस में आ जाओ, स्ट्रेचिंग करो लोडिंग साइड की स्ट्रेंथनिंग करवाओ, दिस वन लोडिंग साइड इसकी मैं स्ट्रेचिंग करवाऊं और साइड है उसकी मैं स्ट्रेंथनिंग करवाऊं, दैट्स ओके जी। उसके बाद स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथनिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल यूज कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन एज, अगर एज उसकी कर सकते हैं अदरवाइज नहीं, 10 डिग्री के बाद हम कर सकते हैं उसके बाद, ठीक है। अगर उसके बाद हम ब्रेस दे सकते हैं, अगर तो हमारे पास कर्व है मोर देन 20 डिग्री 40 के बीच में है तो आप ब्रेस देकर उसको और ब्रेस का टाइम लिमिट डिसाइड कर आप उसको छोड़ सकते हो एंड इट विल बी कवर। ब्रेस 2 से 3 किस्म के होते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है वेस्टर्न ब्रेस या मिल्क वे की ब्रेस। लिसन, अगर तो हमारे पास स्पाइन में एक कर्व है, कर्व जस्ट ऑन अ नंबर, कर्व हमारे पास सिर्फ नंबर में, उसको बोस्टन ब्रेस दे दोगे। बोस्टन ब्रेस में हम कह सकते हैं TLSO, थोरेसिक लंबोक्रल ऑर्थोसिस, ऐसा ऑर्थोसिस जो हमारे 3 रीजन को कवर करता है, थोरेसिक लंबो ऑर्थोसिक, ये वाला ऑर्थोसिस बोस्टन ब्रेसिस कहलाता है, इसे हम यूज करते हैं फॉर द वन कर्व। और अगर मैं स्पाइन में स्कोलियोसिस है जो कि डबल कर्व को शो कर रहा है, कर्व ऑन थोरेसिक एंड लंबर एज वेल, तो हम कर्व को मेंशन करने के लिए करेंगे, हम उसको देंगे फुल ब्रेस। फुल ब्रेस में मिल्क वे की ब्रेस इज द बेस्ट एग्जांपल, मिल्क वे की ब्रेस की अगर हम शॉर्ट फॉर्म, तो इट्स CTLS, ओको थोरेको लंबो ऑर्थोसिस, CTLSO, सर्वाइको थोरेको लंबर ऑर्थोसिस, यानी कि होल आपने फिक्स्ड कर दिया, होल स्पाइन को आपने जो है वो फिक्स कर दिया, एक ही पोजीशन में ले आए, उसको आपने क्या किया अलाइन किया, लाइन से अलाइन किया, उसको फिक्स किया। ब्रेस पहनने की टाइम अकॉर्डिंग टू कर्व, अगर आपका कर्व जो है या मिल्क वे की बिल्कुल यूज होता है, मिल्क वे की यूज होता है, अगर आपके पास स्कोलियोसिस है तो हम मिल्क वे की को यूज करते हैं, कॉमनली भी मिल्क वे की यूज किया जाता है। CTLS ऑर्थोसिस इज मिल्क वे की बात करते हैं। उसके बाद देखिए ऑर्थोसिस फैलाने की कॉन्ट्राइंडिकेशन भी तो कुछ होंगी ना, इसको लगाने में जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है हमारे पास, आप देखें अगर तो एक्सट्रीम तो आप ब्रेस बनाने की जो है वो
स्पेस ना दें अपने, इसलिए कि थोरेसिक कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होने में टाइम नहीं लगता। थोरेसिक शिफ्टिंग मींस रिब केज शिफ्टिंग, रिज केज शिफ्टिंग, रिब एंगल का चेंज होना, थोरेसिक डायमीटर छोटा होना, थोरेसिक कंप्रेशन ऑन लंग्स एंड हार्ट और कार्डियोपल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, सर्वाइकल थोरेसिक कर्व, उसमें भी आप ब्रेस नहीं दे सकते। अगर कर्व डिग्री है, सर्जरी की तरफ जाइए, आप उसे ब्रेस में ब्रेस लगा के आप उसको फौरन से नहीं कर सकते। इट्स रियली ओके। अब अगर मैं सर्जरी की बात करूं, सर्जरी के लिए सर्जन बहुत सारे मेथड्स यूज करते हैं। सर्जन कर क्या करते हैं कि स्पाइनल फ्यूजन, स्पाइनल फ्यूजन आपको अलाइन किया, स्पाइन के जो सेगमेंट टेढ़ा है, कॉन्वेक्स है, लोड है, अनलोड है, उनको पकड़ा और उनको फ्यूज कर दिया। ठीक, फ्यूज किया परमानेंटली या फ्यूज किया वे इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, स्पाइनल इंस्ट्रूमेंटल विदाउट फ्यूजन सर्जरी का नाम है, सेकेंड वन सर्जरी स्पाइनल फ्यूजन, दोनों सर्जरीज हम उसमें करवा सकते हैं। ठीक हो गया। मेरे ख्याल से स्कोलियोसिस का ऑलमोस्ट मैंने आपको ट्रीटमेंट बता दिया, एग्जामिनेशन, असेसमेंट, हिस्ट्री, सवाल आपके जो भी हैं जितना हो सका मैं अभी आंसर करूंगी, और अगर मुझे लगा सेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लंबा होता जा रहा है, तो मैं आपको कमेंट्स में आई प्रॉमिस्ड मैं आपको हर सवाल का जवाब दूंगी। ठीक है, चलिए कुछ स्टेटिस्टिक की तरफ चलते हैं जो कि एक मज़े की, वो ये कि 2% ऑफ चिल्ड्रन अफेक्टेड इन अर्ली स्टेज, सारे बच्चों में 2% ही जो कि स्कॉलरशिप से इफेक्टेड होते हैं इन अर्ली स्टेज। इफेक्टेड पीपल जो हैं उनमें ही करेक्टिव सर्जरी नीडेड होती है, अभी ऑब्जर्वेशन से या ब्रेसिस से ही कंट्रोल हो जाते हैं। और एक और बात, गर्ल्स के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि गर्ल्स जो है ना वो मोर प्रोन है टूवर्ड्स स्कोलियोसिस। एक तो वो लीन बॉडी मास है, इनएक्टिविटी होती है थोड़ी सी इनमें, मैं लेजीनेस नहीं कह रही, इनएक्टिविटी या फिर कम यूज करना, कोर स्टेबिलिटी पे उनका जो ज्यादा फोकस नहीं, इस वजह से गर्ल्स ज्यादा इफेक्टेड होती है रेदर देन बॉयज, एक प्रॉब्लम थी। मेरे ख्याल से कोई सवाल है तो मैं बताती हूँ, मैंने वादा किया किसी से को क्लियर करूंगी। टॉर्टिकुलस क्या है? स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल्स, ऐसा मसल्स इज अ न्यूरो मस्कुलर डिसऑर्डर, यानी न्यूरो मस्कुलर डिफॉर्मिटी, जिसमें मसल्स के अंदर नर्व जंक्शन जाती है, नर्व का ठीक से उसमें जो एक्सप्रेस नहीं होता, नर्व उससे ठीक से काम नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से मसल अपनी मर्जी से होता है, हो रहा होता है। तो जैसे ही हमारा स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल हमारा हाइपरटॉनिक होगा, वो उस तरफ की साइड फ्लेक्शन और अपोजिट साइड की रोटेशन कॉज करवाएगा, और मसल हमारा स्पाजम में, इस मसल के स्पाजम में जाने की वजह से हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करेगा सेम साइड साइड फ्लेक्शन एंड अपोजिट, और इस कंडीशन को हम कहते हैं टॉर्टिकुलस, को हम सर्वाइकल स्कोलियोसिस भी कह सकते हैं। ठीक है, इस के टॉपिक में टॉर्टिकुलस आ गया। मेरे ख्याल से ऊपर बहुत सारे सवाल हुए। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, वो सारे सवाल तो मिस हो गए, अगर अब मैं जा रही हूँ तो मेरी लाइफ चैट डिस्टर्ब हो रही है। थैंक यू डॉट टॉस, इलेक्ट्रॉन यू आर आस्किंग फॉर टॉस और यस नेम समरूस स्कोलियोसिस डिसऑर्डर जनरेट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। स्कोलियोसिस तो जड़ है डायबिटीज को जनरेट करने में, सबसे पहले तो हमने क्या करना है, कौन कौन से डिसऑर्डर्स, टॉस, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, हमें एक ऑलरेडी है हमारे मेंबर्स के टॉस डेवलप हो सकता है, ठीक है, स्कोलियोसिस की वजह से। दूसरा, अगर तो अनलोडिंग के साइड के मसल्स हैं वो वेस्टिंग में चले जाएंगे और लोडिंग साइड के मसल्स आर
करेंगे तो भी वो कॉस्ट कर, स्कोलियोसिस में अगर हमारे होते ही हमारे एक उसके ऊपर कंप्रेशन आ जाए, कंप्रेशन आने की वजह से हम क्या कॉज करवा सकते हैं, हम रेडिकुलरपैथी पेन कॉज करवा सकते हैं। स्कोलियोसिस मे लीड टू शायटिक, ठीक है, स्कोलियोसिस बहुत सारी और चीजें भी करवा सकते हैं, एप्लीकेशंस या प्रॉब्लम आ गई है किसके ऊपर हमारी, वजह से भी क्या होगा कि कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, ईयर वाले जो है ना वो प्रॉब्लम कॉज हो सकते हैं। लुक, अब क्या हमका मुझे लगता है सारे सवालों के आंसर मैं भी आपको सेशन खत्म होने के बाद, और मेरे ख्याल से मुझे अब सेशन एंड करना चाहिए। थैंक यू टू ऑल सारे मेरे स्टूडेंट्स एंड थैंक यू टीम सीएमटी, इनफैक्ट मैं खुद सीएमटी का हिस्सा हूँ, डॉक्टर दिलीप नो डाउट बहुत अच्छे मेंटर हैं, मुझे उनसे बहुत कुछ सीखना भी है। आई डोंट नो कि मेरा लेक्चर कैसा गया, वेल बेस्ट स्टूडेंट्स करेंटली फोकस ऑन योर स्टडीज, लॉकडाउन का टाइम क्या घर बैठ कर बुक्स पढ़ सकते हैं, मोस्टली फोकस कीजिए बुक्स पे, बुक को हम जरूर अपलोड करेंगे। नितिश राठी मैं उनका अपलोड करती रहती हूँ उनके फेसबुक पेज पे, वो हमेशा वहाँ पे फेसबुक मोस्टली आप लोग क्या करें, बुक्स को डाउनलोड करें और उनको पढ़ें, और बुक्स के चैप्टर्स जो कि क्लियर नहीं हो रहे आप हमारी टीम को बता सकते हैं, हम इंशाल्लाह उनको कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू टू ऑल, अल्लाह हाफिज़।